करते हुए थके सो जाती हूँ सिरहाने आसमां, जाने कहाँ मुड़ जाती है। देखते देखते तुझे ये गलियां, तेरी तरह खुशबू चले, तारे हमारी तरह रातों से मिले। सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियां। ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं। कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियां। तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना ये दिल मेरा, क्या हो गया सोचा न था। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट वीडियो पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम फिर दुबई से बाहर निकले हैं और हम जा रहे हैं शारजा की एक बहुत ही खूबसूरत जगह, जिसे मैंने कहीं पढ़ा था कि शारजा का नेकलेस भी कहा जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ शारजा के बुहेरा कॉर्निश की। बहुत ही खूबसूरत जगह है और यह तकरीबन 4 किलोमीटर लॉन्ग वॉकवे है यहाँ पर, और पानी पे चमकती हुई लाइट जो है वो वाकई इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। इर्द गिर्द बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत हैं और यहाँ पर बोट भी चलती हैं, आप यहाँ पे बोट राइड ले सकते हैं। और ओवरऑल फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं अपना टाइम स्पेंड करने, स्पेशली आजकल के मौसम में, और गैदरिंग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारा सा गार्डन विद द कॉर्निश व्यू। तो आइए बिगिन करते हैं आज की वीडियो। ये जो खूबसूरत सा व्यू आप देख रहे हैं, ये शारजा का अल मजाज एम्फीथिएटर है। ये रहा एम्फीथिएटर जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, और अब तक तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मुझे पानी कितना खूबसूरत लगता है। तो जी, हम आए हैं एक और ऐसी जगह एक्सप्लोर करने जहाँ हमें खूबसूरत पानी की लहरें नज़र आए। तो आप देख लें कि ये जो है इस वक्त रात का वक्त है, इशा हो चुकी है यहाँ पर, और बहुत ही पुरसकून फिज़ा है। लहरों पर लाइट पड़ते हुए कितनी प्यारी लहरें लग रही हैं। वॉक एंजॉय करने के बाद हम गार्डन में आकर बैठ गए। बच्चे ऑलरेडी खेलों में मशरूफ थे और अब हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई थोड़ी देर में तो बच्चों को बहुत शदीद भूख लग जानी है, इसीलिए हमने ऑपोजिट साइड पर मौजूद फास्ट फूड जॉइंट से खाना ऑर्डर कर दिया, जो तकरीबन 20-25 मिनट में हमारे पास था।
मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार था और हमारी आउटिंग बहुत ही मज़े की रही। आई होप आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यहाँ पर एंड नहीं होती, आपके लिए एक सरप्राइज़ है, उसे ज़रूर इन्जॉय कीजिए। और जाते जाते सादी आपसे ये कहेगी कि मौसम बदल रहा है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा ताकि आप अपने अपनों का ख्याल रख सकें। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़। पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर शाम आँखों पर तेरा जल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। कैसा रिश्ता है ये, कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ आ कर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।